सुनील आदिवासी के घर पर दबंगों ने किया बंदूकों से हमला। मकसूदनगढ़ तहसीलदार महोदय को महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में जिला विदिशा लटेरी थाना क्षेत्र के झकरजागी गांव में रहने वाले सहरिया आदिवासी समाज के सुनील कुमार आदिवासी के मकान पर दबंगों ने बंदूकों से हमला कर दिया और पुलिस ने उल्टा पीड़ित आदिवासी परिवार के महेंद्र आदिवासी के खिलाफ धारा 354 का मामला दर्ज कर दिया है, जिसे निरस्त करने की मांग ज्ञापन में की गई है और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की मांग करते हुए आरोपियों के बंदूकों के लाइसेंस को निरस्त करने की मांग राज्यपाल महोदय के नाम दिए गए ज्ञापन में की गई है। लटेरी थाना क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और आए दिन दुर्घटनाएं भी हमें देखने को मिलती है। यही कारण है कि पीड़ित आदिवासी परिवार द्वारा पूर्व में दिए गए शिकायती आवेदनों पर पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अगर पुलिस समय रहते इन आवेदनों पर कार्यवाही कर देती तो हो सकता है इस तरह की घटना पीड़ित आदिवासी परिवार के साथ हमें देखने को नहीं मिलती। घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों का गाँव में दबदबा है और कोई भी उनका खिलाफ कुछ बोलने को तैयार नहीं है, जबकि पुलिस भी घटना को अंजाम देने वाले सारे आरोपियों की गिरफ्तारी करने से बस्ती नजर आ रही है। जैसा कि पीड़ित परिवार के लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि जबकि क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है कि पुलिस द्वारा आरोपियों पर कार्यवाही ना करने के कारण ही आरोपियों के हौसले बुलंद हो गए हैं और कहीं ना कहीं आपराधिक घटनाओं को बढ़ावा भी पुलिस देती नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि पीड़ित आदिवासी परिवार को न्याय कब तक मिल पाता है और कब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी लटेरी पुलिस द्वारा की जाती है। पीड़ित आदिवासी परिवारों पर ही दबाव बनाया जाता है। उधर सुनील आदिवासी के परिवार को न्याय दिलाने के लिए दिए गए ज्ञापन देने के दौरान बड़ी संख्या में मकसूदनगढ़ सहित आसपास क्षेत्र के लोग उपस्थित रहे। तहसीलदार महोदय तहसील मकसूदनगढ़ जिला गुना द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश शासन दिनांक 25/3/2023 श्रीमान द्वारा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजस्व मकसूदनगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश ज्ञापन पत्र विषय षड्यंत्र पूर्वक बलवा कर लूटपाट करने तोड़ फोड़ करने के संबंध में कार्रवाई करने बाबत महामहिम महोदय ज्ञापन बिंदु निम्न प्रकार है। यह है कि ग्राम झूकर जोगी तहसील लटेरी जिला विदिशा मध्य प्रदेश में सेरिया आदिवासी सुनील कुमार आदिवासी पुत्र कमरलाल का मकान आवास है, जिसमें वे परिवार सहित निवासरत है। इसी ग्राम में राजपूत जाति के लोग बहुसंख्यक है और पूर्व से ही राजपूत जाति के लोग इस ग्राम के अनेक व्यक्तियों को परेशान प्रताड़ित करते आ रहे हैं। नंबर दो, दिनांक 19/3/2023 को शाम लगभग 7 बजे षड्यंत्र पूर्वक लगभग 100 व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति कमरलाल गोपाल आदिवासी के घर आकर पहलवान बलवीर वीरन राजपूत के कहने पर के कबेलू फोड़े, चूल्हा तोड़ा और घर में घुसकर लूटपाट की एवं बंदूकें एवं लाठियां लेकर आए और आदिवासी परिवार को गांव से निकालने की मंशा से आदिवासी परिवार के घर पर हमला किया एवं मान प्रतिष्ठा भंग की। पुलिस बल के पहुंचने पर उक्त आदिवासी परिवार की जान बच पाई। नंबर तीन, यह है कि पीड़ित आदिवासी परिवार के महेंद्र आदिवासी के खिलाफ अपने बचाव में दोषियों द्वारा 554 कायम कराई गई, जिसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए एवं दोषियों की गिरफ्तारी की जाए। नंबर चार, उक्त उपद्रवियों व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए। षड्यंत्र में संलग्न व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा कायम कराते हुए दोषी व्यक्तियों की न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए। यह है कि लोग अपराधी मानसिकता के हैं। लोग थोड़ी सी बात पर अपने घर से बंदूकें लेकर आ जाते हैं और दादागिरी करते हैं, दबाव बनाते, इसलिए जाए और इनके लाइसेंस निरस्त किए जाए। नंबर छः, परिशांति व्याप्त बनी रहे ऐसे आशय की कार्रवाई की जाए। पुलिस चौकी ग्राम झूकर जोगी में स्थापित कराया जाए। यह है कि उक्त प्रताड़ित आदिवासी परिवार को शासन सहायता उत्पन्न कराई जाए, जिन्हें पाने के पात्र ठहरे। अतः प्रार्थना है कि कार्रवाई कर न्याय सहायता प्रदान करने की कृपा करें। दिनांक 25/3/23 विनीत सामाजिक संगठन मकसूदनगढ़।